नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सातवें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में करीब 83,000 शिक्षकों की होगी बहाली। बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के बाद सीबीएसई सतर्क। जेईई एडवांस 2023 के संशोधित सिलेबस का नवगठित बोर्ड ने शुरू किया अध्ययन। इस बार बाढ़ से बचने के लिए बिहार ने पूरी कर ली तैयारी। अगले 48 घंटे में बिहार के इन 18 जिलों में बारिश की संभावना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सातवें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में करीब 83,000 शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार के हाई और प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में करीब 83,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षक बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि प्रस्तावित सातवें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83,277 से अधिक रिक्तियां हैं। इनमें सबसे अधिक 49,361 रिक्तियां 6,421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। फिलहाल सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब चल रही छठी चरण की प्रक्रिया खत्म होगी। बिहार में जमीन के मामले में अमीर है मठ मंदिर के भगवान। बिहार में विधि विभाग ने हाल ही में जमीन का ब्यौरा जुटाया है, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि बिहार के मठ और मंदिर जमीन के मामले में गरीब नहीं है। ये आंकड़ा पंजीकृत और गैर पंजीकृत मठों मंदिरों का है। इनका पंजीकरण धार्मिक न्याय बोर्ड में होता है। इस काम में भूमि सुधार विभाग भी सहयोग कर रहा है। लक्ष्य है कि मठ और मंदिर के जमीन अवैध तरीके से ना बेचे जाए। विधि विभाग के पास राज्य के 38 में से 35 जिलों का आंकड़ा पहुंच गया है। सबसे अधिक 5,874 एकड़ जमीन पूर्वी चंपारण जिलों के मठों और मंदिरों के पास है। इनकी संख्या सिर्फ 137 है। वहीं मधुबनी जिला के मठ और मंदिर राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अमीर है। बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के बाद सीबीएसई सतर्क। बीपीएससी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सीबीएसई ने सतर्कता बढ़ा दी है। बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद ही सीबीएसई ने सबक लेते हुए 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा में ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले एक ऑब्जर्वर पर 5 से 6 स्कूल की जिम्मेवारी थी, लेकिन उसे कम करके 2 से 3 स्कूल दिया गया है। हर दिन प्रश्न पत्र लाने और उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे तक किसी भी छात्र को कक्षा के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर छात्र को प्यास लगती है तो कक्षा तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। प्रश्न पत्र लाने में केंद्राधीक्षक के साथ अब ऑब्जर्वर को भी जाना है। प्रश्न पत्र लेने के बाद केंद्राधीक्षक के साथ ऑब्जर्वर को भी सीलबंद प्रश्न पत्र की फोटो लेकर बोर्ड को भेजनी है। जेईई एडवांस 2023 के संशोधित सिलेबस का नवगठित बोर्ड ने शुरू किया अध्ययन। जेईई एडवांस 2023 के संशोधित सिलेबस का नवगठित बोर्ड ने अध्ययन शुरू कर दिया है। जेईई मेंस 2021 के प्रश्न पत्र के वायरल होने के बाद से केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। जेईई मेन और जेईई एडवांस की परीक्षा में पारदर्शिता लाने और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने जेईई शीर्ष बोर्ड का गठन किया। वहीं 19 सदस्यीय शीर्ष बोर्ड की को 2 वर्ष तक परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर परीक्षा का संचालन सफल होता है तो इस बोर्ड को परीक्षा का आयोजन कराने का अधिकार आगे भी दिया जाएगा। वहीं जेएबी जेईई एडवांस 2023 के संशोधित सिलेबस का अध्ययन करेगा, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल है। जेईई एडवांस 2023 का संशोधित सिलेबस jeeadv.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। अगले 48 घंटों में बिहार के इन 18 जिलों में बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा असानी चक्रवात का असर पटना के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो बिहार में इसका सीधा असर नहीं पड़ रहा है, जिसमें मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि उत्तर पूर्व जिलों में बादलों का बनना और छिटपुट बारिश की गतिविधियां बनी है। वहीं पटना समेत प्रदेश के शेष भागों का मौसम सामान्य बने रहने के आसार है। वहीं शुक्रवार तक प्रदेश के 18 जिलों के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। हर थाने में होगी टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट। अब राजधानी पटना के सभी थानों में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट होगी। राजधानी पटना में क्राइम कंट्रोल को लेकर पटना पुलिस नई तैयारी में जुट गई है। इन 10 अपराधियों की सूची सभी थानों को दी जाएगी। इसमें अपराधी की तस्वीर के साथ उसका पूरा ब्यौरा लिखा होगा। आपको बता दें कि बीते दिन डीजीपी एसके सिंघल एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। क्राइम मीटिंग से पहले एसएसपी और अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र के टॉप 10 की सूची तैयार कर थानों की दीवार पर लगाएं और अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। बिहार के उत्कृष्ट विधायक किए जाएंगे सम्मानित।
बिहार विधानसभा के लिए 17वीं बार निर्वाचित सदस्यों में से उत्कृष्ट विधायक चुनने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उत्कृष्ट विधायकों के चयन के लिए जनता से सुझाव मांगा है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक द्वारा किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों की जानकारी और संबंधित वीडियो 30 जून 2022 तक सचिवालय में दे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक के चयन होने से सदन और सदन के बाहर भी अन्य माननीय सदस्यों के मन में बेहतर करने की लालसा जागेगी, जिससे अंततः बिहार की 12 करोड़ जनता का भला होगा। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य है। अच्छा काम करने वालों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें संरक्षित और सुरक्षित करना भी हमारा पुनीत कर्तव्य है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी कार्यालयों की कुछ मंजिलें हुई खाक। बिहार के सबसे बड़े सरकारी कार्यालयों में भीषण आग लग गई। राजधानी पटना के बेली रोड स्थित विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई। ये घटना आज सुबह सुबह की है। विश्वेश्वरैया भवन के तीसरे और सातवीं मंजिल पर आग फैल जाने की सूचना मिली। हालांकि खबर लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड की मदद से तीसरे और चौथी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया था। फायर ब्रिगेड की 16 टीम लगाई गई थी। इसकी मदद से आग बुझाने का काम जारी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि आग किस वजह से लगी। आग लगने की वजह से भवन में रखे सामानों को की काफी मात्रा में क्षति भी हुई है। इस बार बाढ़ से बचने के लिए बिहार ने पूरी कर ली तैयारी। मौसम विभाग की माने तो 15 जून से बिहार में मॉनसून प्रवेश कर जाएगा और यहां के करीब 1.5 दर्जन जिलों में फिर से बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है। ऐसे तो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा है कि विभाग की इस बार पूरी तैयारी है। बाढ़ नहीं आने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका असर कम से कम हो विभाग उसकी तैयारी कर रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहा है। 15 जून से पहले बाढ़ निरोधात्मक और कटाव से बचाव के लिए काम कर लिए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बाढ़ नहीं आएगी इसका दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन बाढ़ का प्रभाव कम से कम हो इसकी कोशिश में लगे हैं। बिहार में सामान्य बनी है कोरोना की स्थिति। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 60 हो गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 62,306 सैंपल की जांच हुई। इसके बाद राज्य में 7 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें 2 मामले राजधानी पटना के हैं। वहीं सहरसा में 2, रोहतास और सारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देशभर की बात करें तो काफी दिनों के बाद आज यानी बुधवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2,897 नए मामले सामने आए हैं, जहां 54 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 19,494 हो गई है। बिहार की सड़क के विकास की खुली पोल। बिहार में सड़क पुल की जाल बिछाने में नीतीश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनका पोल भी लगातार खुलते जा रहा है। कभी पुल के गिरने की वजह तेज हवा और धुंध को दिया जाता है, तो कभी सड़क भी बिहार के ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसकी पोल तब खुल गई जब निरीक्षण के लिए पहुंची विश्व बैंक की टीम ने एक एक करके कई खामियां गिरा दी। राज्य के ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम देखने पहुंची टीम ने साफ कर दिया कि इसमें तय मानकों के अनुसार काम नहीं किया गया है। टीम ने बिहार दौरे के दौरान ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर नाखुशी जाहिर की और तत्काल सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो इसकी चेतावनी भी दी गई है। अब इसके बाद निरीक्षण के लिए जून में आने वाली है टीम। बिहार के 17 जिलों में करोड़ों की बिजली चोरी। बिहार में बिजली चोरी की समस्या भी बहुत है, जिससे राजस्व को काफी नुकसान होता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने की एक वजह यह भी थी। बिहार के 17 जिलों में अब तक 7.18 करोड़ बिजली चोरी की अब खबर सामने आई है और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम राजधानी पटना का है। बिजली इंजीनियरों ने यहां से 1.98 करोड़ की चोरी पकड़ी है। बीते दिन समीक्षा के दौरान बिजली इंजीनियरों ने कुल 1,14,886 मीटर की जांच की। इसमें 2,076 मीटर से चोरी करते हुए पकड़ा गया है। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने बताया है कि बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं के परिसर की लगातार निगरानी करने का टास्क दिया गया है। वहीं बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले उपभोक्ता जुर्माना जमा कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर कनेक्शन चालू कर पाएंगे। जातीय जनगणना पर राजद और जदयू के सुर एक बार फिर मिले। बिहार में राजनीतिक गलियारे में पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर तंज कसने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल साथ खड़े होने का एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। इसको लेकर समय समय पर पक्ष विपक्ष एक साथ खड़े दिखते हैं। वहीं एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए दिल्ली तक पैदल मार्च करने की बात कही है। वहीं इसको लेकर जदयू को भी कोई एतराज नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन कहा कि जातिगत जनगणना तो जदयू का स्टैंड रहा है। इस मामले में तेजस्वी
यादव ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, तो इस बारे में मुख्यमंत्री ही कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जातिगत जनगणना के सवाल पर तेजस्वी यादव पैदल मार्च करना चाहते हैं, तो ये तो उनकी अपनी इच्छा है। वहीं पैदल मार्च को लेकर ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम का विरोध कहा है। शरद यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में लगाया गया जुर्माना। साल 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीते दिन पूर्व सांसद शरद यादव को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में बिहार शरीफ कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके बाद उन पर 2500 रूपये का जुर्माना भी लगा है। शरद यादव की पेशी वर्चुअल बोर्ड में गूगल मीट के जरिए कोर्ट में हुई। प्रभारी ACJM वन विमलेंदु कुमार ने गूगल मीट से जुड़कर शरद यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप की जानकारी दी। इसके बाद शरद यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपराध स्वीकार किया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग अलग 1,000 और 500 रूपये यानी कुल 2,500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। IPL 2022 में सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम बनी गुजरात। अपना पहला सीजन खेल रही गुजरात टाइटंस IPL 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। सामने लगातार 4 मैच जीतकर आ रही लखनऊ सुपर जॉइंट्स थी, लेकिन राशिद खान के आगे लखनऊ वालों की एक ना चली। 145 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ 13.5 ओवर्स में ही सिमट गई और सिर्फ 82 रन पर ऑल आउट हो गई। क्विंटन डीकॉक और दीपक हुड्डा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया। गुजरात ने 12 मैचों में 9 मैच जीतकर 18 पॉइंट्स अपने खाते में रखे हैं। लखनऊ के 12 में से 8 मैच में जीत के साथ ही 16 पॉइंट्स है, जिसके बाद लखनऊ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बरकरार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, भरत पासवान, रवि कुमार, ध्रुव कुमार, कुणाल कुमार, अजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक के कार्य से संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।